कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसा हर प्रवासी मजदूर घर लौटना चाहता है। अब इसी कड़ी में पंजाब के जालंधर में एक फ्लाईओवर के नीचे सैकड़ों मजदूर इकट्ठा हुए हैं। ये लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की मांग कर रहे हैं ताकि घर लौट सकें। इनमें से एक प्रवासी मजदूर ने बताया कि वो 5 दिनों से फ्लाईओवर के नीचे रह रहा है और खाना तो दूर, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। मजदूरों के मुताबिक अब तक कोई बस या ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इनका कहना है कि ये लोग बस अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं और जल्द से जल्द अपने गांव लौट जाना चाहते हैं।